अब अगली बात जो मैं करने वाली हूँ उससे आपको बड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि मैं आपके पैरों की उंगलियों पर कदम रखने वाली हूँ। गुड न्यूज इज रोलर कॉस्टर अगर नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है। तो चलिए खुद में टटोलिए कि आप बहुत से लोगों में से एक है या कुछ लोगों में से एक। आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपने ऐसे सफोकेटिंग रिलेशन को सेक्रीफाइस किया। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे एक ग्रुप में चर्चा हो रही थी, फला बंदे को देखा किस मुकाम पर पहुंच गया, कितना सक्सेसफुल हो गया, गाड़ी बंगला पैसा प्यार सब कुछ है उसके पास, अरे किस्मत तो उसके जैसी होनी चाहिए। क्या है ना कि हम दूसरों की सक्सेस को तो देखते हैं लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे की मेहनत को नहीं समझ पाते हैं, उसके स्ट्रगल को नहीं देख पाते हैं, उस सक्सेस को पाने के लिए उसने जो सेक्रीफाइसेस किए वो नहीं देख पाते हैं। चलिए पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सेक्रीफाइस। वेल, सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं जिस चीज से हमें प्यार है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, उसे त्याग देना। अब इसे ना मैं एक अलग तरीके से आपको समझाती हूँ। एक इंसान, मान लीजिए अर्जुन, अपनी मंथली हेल्थ चेकअप के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर उसे कुछ टेस्ट कराने को कहता है, अगले दिन वो रिपोर्ट्स लेकर फिर डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर बड़े ध्यान से उसकी रिपोर्ट पढ़ता है और फिर एक सीरियस लुक के साथ उसे बताता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल है एंड ऑल द बैगेज दैट कम्स विद इट, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सब बताता है। अब डॉक्टर उसे डेली एक्सरसाइज करने, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए बोलता है। इन शॉर्ट, अर्जुन को अपने डेली रूटीन में ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल बड़ा ही ईजी गोइंग लेजी टाइप का था एंड ही वॉज अ बिग फूडी ऑल्सो। तो उसके लिए इन लग्जरीज को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन क्या ये सच में सेक्रीफाइस है? नो, अ बिग नो, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ हेल्थ फॉर हिम। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इन सिंपल वर्ड्स, इट्स अ नेसेसिटी। उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। अगर वो एक हेल्दी और लॉन्ग लाइफ जीना चाहता है तो उसे अपने लाइफस्टाइल में ये सीरियस चेंजेस लाने ही होंगे, इन सो कॉल्ड लग्जरीज को त्यागना ही होगा। और अपनी हेल्थ के लिए वो जो कुछ भी करता है ना, इट्स नॉट अ सेक्रीफाइस, इट्स अ नेसेसिटी। और इसी तरह से अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, देन यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। जैसे कि आपको अपनी पढ़ाई को एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको अपने एंटरटेनमेंट आवर्स को कम करना पड़ सकता है, इन सम केसेस आपको अपने स्लीप आवर्स भी कम करने पड़ सकते हैं, एंड दीज आर नॉट सेक्रीफाइसेस, दीज आर नेसेसिटीज। और ये आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। इट्स नॉट सेक्रीफाइस, बल्कि आप इसकी जगह पर कह सकते हैं डिस्टेंस और टाइम ऑफ। डिस्टेंस योर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ योर वर्क। देखो फ्रेंड्स किस लिए होते हैं, कि आपको अंडरस्टैंड कर सके, लेकिन अगर वो यही नहीं समझते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि आपने ऐसे सफोकेटिंग रिलेशन को सेक्रीफाइस किया जहां पर दूसरा बंदा आपको वैल्यू ही नहीं करता। इनफैक्ट अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से एडजस्ट करेगा, एंड ऑफ कोर्स आपको भी लगेगा जब फ्री टाइम हो तो आप उससे मिलें, उससे बात करें। इसी तरह से स्टडीज में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको अपने फेवरेट स्पोर्ट टीवी शोज को त्याग करना पड़ सकता है जिससे कि आप अपनी स्टडीज पर फोकस कर सकें। एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्दी डाइट लेनी पड़ती है जिससे कि एक हेल्दी बेबी हो सके, और उसके लिए कई बार अपने फेवरेट जंक फूड को उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो कुछ पाने के लिए एक चीज को त्यागना पड़ता है जिससे कि दूसरी चीज को अचीव किया जा सके। सेक्रीफाइसेस टाइम बीइंग भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं, बट इट्स अ मस्ट टू अचीव योर गोल्स। कीमत नहीं चुकाएंगे तो इनाम कहाँ से मिलेगा? तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिन्हें त्याग कर, सेक्रीफाइस करके आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेरी बातों को जरा ध्यान से सुने, ये स्पेशली 25 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब कोई इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अपना करियर बनाते हैं। पहली बात, हमें ना लाइफ में कई बार इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं। दूसरे की सक्सेस देखकर लगता है कि हमें भी जल्दी से उसकी तरह सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत भी होती है। तो आप कुछ भी काम करें, उसे थोड़ा वक्त दे, पेशेंस रखें, बस अपने लक्ष्य को ना भूलें, काम करते जाए, मेहनत करते जाए। दूसरी बात जो मैंने बहुत ज़्यादा फेस की वो ये कि मुझे लाइफ में ना कहना नहीं आता था। मुझे लगता था किसी ने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है, कोई काम कहा है, मुझे अगले बंदे की खुशी के लिए बस उसे हाँ कहनी है। और इस वजह से कई बार मेरे अपने इम्पोर्टेंट काम जो होते थे उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था। और ऐसा जब ज़्यादा ही होने लगा तो मैंने इस नहीं की ताकत को पहचाना,
एंड आई टेल यू, ये टू लेटर से बना वर्ड नो जो है ना, इंग्लिश के सबसे पावरफुल वर्ड्स में से होना चाहिए, और सक्सेसफुल लोग इस बात को पहचानते हैं। देखो, आपके पास पूरे दिन में एक लिमिटेड एनर्जी होती है काम करने के लिए, लेकिन अगर आप उसे इधर उधर के कामों में वेस्ट कर देंगे तो आपके पास अपने काम के लिए एनर्जी नहीं रहेगी। तो नो की पावर को समझें। आपको जबरदस्ती किसी के साथ हैंग आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी और के बिजनेस में अपना पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दूसरे की रिक्वेस्ट पर कमिटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। एक ना कहकर आप अपनी टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब बचा सकते हैं। अब अगली बात जो मैं करने वाली हूँ उससे आपको बड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि मैं आपके पैरों की उंगलियों पर कदम रखने वाली हूँ। चलिए एक क्विक टाइम एनालिसिस करते हैं। हमारे पास पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, उसमें से 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम काम करते हैं, तो हमारे पास 8 फ्री सॉलिड आवर्स होते हैं। अब 5 दिनों, सैटरडे संडे को निकाल दें, 5 दिनों से इन 8 आवर्स को मल्टीप्लाई करें, तो पूरे हफ्ते में हमारे पास 40 आवर्स हुए जब हम ना कोई काम करते हैं और ना ही हम सोते हैं। अब बिना लक्ष्य वाले लोग या तो उस टाइम पर नेटफ्लिक्स देखते हैं या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई सपना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको उन 40 घंटे में से 20 घंटे अपने काम को, अपने लक्ष्य को देने ही पड़ेंगे। आपको उस खाली टाइम का एक हिस्सा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने ब्राइट फ्यूचर, अपने सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो जो फ्यूचर आप चाहते हैं अपने लिए वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज में कहते हैं कि जब आपकी बॉडी वर्कआउट करके थक जाए तो उसके बाद किया गया एक्स्ट्रा वर्कआउट जो होता है वही आपको अच्छे रिजल्ट देता है, और उसी तरह से ऑफिस आवर्स के बाद में किया गया एक्स्ट्रा काम जो है वो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है। अगली बात दोस्त, सक्सेस के लिए बहुत बड़े बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, लाइफ में इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, एक दिन बहुत अच्छा दूसरा दिन जस्ट ऑपोजिट, आपको मेंटली इमोशनली इनस्टेबिलिटी से निपटना पड़ता है और कभी कभी आपकी सेल्फ एस्टीम को भी धक्का लगता है। ये सब एक रोलर कोस्टर की तरह चलता रहता है, बट गुड न्यूज इज रोलर कोस्टर अगर नीचे जाता है तो ऊपर भी आता है, लेकिन अगर हम लाइफ में इनस्टेबिलिटी का रिस्क नहीं उठाते हैं तो लाइफ में बेहतर होने का मौका खो देते हैं। एक बच्चा चलने से पहले ना जाने कितनी बार इधर उधर गिरता है, बार बार गिरता है, फिर कोशिश करता है उठकर चलने की, फिर रिस्क उठाता है चलने का, क्योंकि वो इनस्टेबिलिटी के बारे में सोचकर डरता नहीं है। तो यही मेंटालिटी हमें भी अपनानी होगी अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है। अब आखिरी सबसे जरूरी बात, अपनी नेगेटिव आदतों का त्याग करें, जैसे कि लेट करना, सेल्फ डाउट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, एक्सरसाइज नहीं करना और भी बहुत सी डिस्ट्रैक्शन वाली बातें। अब आप किसी इंपॉर्टेंट काम में लेट करके कैसे लाइफ में सफल हो सकते हैं? सेल्फ डाउट आपको कोई रिस्क उठाने या नई चीज ट्राई करने से रोक सकता है, आपकी ग्रोथ और कैपेबिलिटी को एक दायरे में बांध सकता है। अनहेल्दी फूड, एक्सरसाइज ना करना आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी एनर्जी लेवल को कम कर देगा, आप अपने काम में अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे इस वजह से। तो सक्सेस पाने के लिए जरूरी है अपनी नेगेटिव हैबिट्स को पहचानना और उनका त्याग करना। याद रखें, लाइफ में बहुत लोग सक्सेस पाना चाहते हैं लेकिन कुछ ही वो काम करते हैं जो सक्सेस के लिए जरूरी है। बहुत से लोग महानता चाहते हैं लेकिन महानता के लिए बलिदान कुछ ही लोग कर पाते हैं। बहुत से लोग जीतना चाहते हैं लेकिन जीतने की हैबिट अपनाने के लिए डिसिप्लिन कुछ ही रह पाते हैं। तो चलिए खुद में टटोलिए कि आप बहुत से लोगों में से एक हैं या कुछ लोगों में से एक, और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आई होप मेरी ये वीडियो आपके काम आ सके। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।